लगभग हर शख्स का बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट तो होता ही है, और बैंक में सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता अगर आपके पास है तो मोदी सरकार बजट 2024 में बड़ी राहत दे सकती है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई महीने में पेश होने जा रहे यूनियन बजट में टैक्सपेयर्स को कई राहत दे सकती है, उनमें से एक ये फायदा भी मिल सकता है। सरकार बचत खाते पर बैंक से मिलने वाले ब्याज की कमाई पर टैक्स को लेकर तोहफा देने की तैयारी कर रही है। मामले से जुड़े लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि सरकार बचत खातों से मिले ब्याज पर टैक्स छूट यानी डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपए तक ले जा सकती है। पिछले हफ्ते बैंकों के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग हुई और बैठक में बैंकों की ओर से बचत खातों के ब्याज आय पर टैक्स छूट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है और जिसका आकलन अभी हो रहा है। इस बारे में अंतिम फैसला जो है बजट में आ सकता है। बचत खाते के ब्याज पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाना टैक्स पेयर्स और बैंक दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आज के समय में लगभग हर टैक्स पेयर के पास किसी न किसी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट तो है ही। सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसों पर बैंक ग्राहकों को ब्याज देते हैं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है वो आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तुलना में काफी कम है, लेकिन अगर बजट में डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जाती है तो लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। ये बैंकों के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी क्योंकि उनके पास ज्यादा डिपॉजिट रहेगा। डिपॉजिट ज्यादा होने से बैंकों को क्रेडिट यानी कर्ज बांटने के लिए बाहर से पैसा जुगाड़ने की दौड़ धूप कम करनी होगी। अभी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTA के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग्स अकाउंट से मिला 10,000 रुपए तक का ब्याज पूरा टैक्स फ्री रहता है, लेकिन हाँ 10,000 रुपए से ऊपर जितना भी ब्याज होता है वो आपकी इनकम से जुड़ता है और टैक्स पेयर के स्लैब रेट से उस पर टैक्स देना होता है। 7 साल से ज्यादा उम्र है तो फिर सीनियर सिटीजन के लिए लागू होता है सेक्शन 80TTB, जिसके तहत 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट उन्हें मिलती है ब्याज पर। इसमें सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से होने वाली कमाई भी शामिल होती है। ब्याज की कमाई पर टैक्स छूट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है, इस बात का भी ख्याल रखें। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर डिडक्शन की पुरानी लिमिट बढ़ाने और न्यू टैक्स रिजीम में मौजूदा नियमों के तहत सेविंग्स अकाउंट से कमाए ब्याज पर छूट देने की अनुमति, दोनों मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 में सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाती हैं तो आम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट के ब्याज से कोई भी कमाई हुई है तो उसे अपने रिटर्न में दिखाना ना भूलें। रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024, तो उसका ख्याल रखें। और सेविंग्स अकाउंट से अगर आपको होता है 10,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज तो इसे आपको अपने ITR में दिखाना मस्ट है। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट थोड़ी ज्यादा है, यानी 50,000 तक की आय जो है वो टैक्स फ्री है, इसके ऊपर के ब्याज को आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद तो यही है कि बजट में ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट वाली जो लिमिट है ना वो सबके लिए बढ़ जाए।